गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर या जी विनिमय। क्रॉसिंग ओवर के बारे में सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में बताया था। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में होता क्या है कि जो लिंकेज जीन्स होते हैं उनका सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ लिंकेज जीन्स ही क्रॉसिंग ओवर है। लिंकेज जीन्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिंकेज जीन्स होते हैं उनकी क्या एक टेंडेंसी होती है कि वो साथ साथ ही रहते हैं और उनका ट्रांसमिशन भी साथ साथ होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये जो लिंकेज जीन्स होते हैं इनका सेपरेशन होना, अलग होना, सेपरेट होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। डेफिनेशन देखिए इसका, तो जो संजात नरसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का आदान प्रदान ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। होमोलोगस और उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही होता है। हम लोग यहाँ पे अगर देखें ये दो हमारे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम लोगों ने सेट किया है ताकि ये हमको क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्लियरली दिख जाए। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ये दोनों इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये जो आमने सामने हैं ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं और क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन पुनर्संयोजियों के बनने का जो मूल कारण है वो क्रॉसिंग ओवर ही है। जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो उनको नए जीन्स मिलते हैं, जो पुनर्संयोजी बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग सब स्टेज में होता है। हम लोग यहाँ पे देखें जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम कहाँ पर बनते हैं, पैकेटिंग सब स्टेज में। क्रोमोसोम्स के बीच जब आकर्षण बल बढ़ जाता है, अट्रैक्टिंग फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, क्रोमोसोम एक दूसरे में आपस में आकर के बहुत सारे मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, तब उस टाइम पे ये क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर फॉर्म होता है, क्राइस मेटाफॉर्म होता है, जहाँ पे दो भुजाएं एक साथ मिल जाती हैं, अटैच जाती हैं, जहाँ से क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्राइस मेटा पॉइंट बोलते हैं। इन क्राइस मेटा पॉइंट से ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनका इंटर पॉइंट से क्रोमोसोम जब टूट जाते हैं तो इसका जो एक भुजा का थोड़ा सा पार्ट है वो दूसरे भुजा में और दूसरे भुजा का पार्ट टूट करके इस वाले भुजा में जा करके ज्वाइन हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसका एक पार्ट टूट करके इस वाले क्रोमोसोम में जाकर जुड़ गया है और इसका एक पार्ट टूट करके इस वाले क्रोमोसोम में जा करके ऐड हो गया है। ये क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग सब स्टेज में होता है, लेकिन ये हमको विजिबल कब होता है, दिखाई कब देता है, डिप्लोटिंग सब स्टेज में। पैकेटिंग सब स्टेज में क्रोमोसोम्स के मध्य आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि हमको वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता है। अगले स्टेज में जैसे ही क्रोमोसोम्स के मध्य आकर्षण बल कम होने लगता है, क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, तब हमको क्रॉसिंग ओवर विजिबल होता है, दिखाई देता है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर और दूसरा होता है सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर जो है वो जर्म सेल्स में होता है, जो जननी कोशिकाएं होती हैं उन सेल्स में जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर होता है, और गैमेटोजेनेसिस के टाइम जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं उस टाइम जर्म सेल्स में जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर का बहुत अधिक महत्व है, मैक्सिमम जो क्रॉसिंग ओवर है वो जर्मिनल सेल्स में ही होते हैं। दूसरा सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर जो है वो सोमेटिक कोशिकाओं में होता है और यह बहुत ही रेयर है, यह कभी कभी होता है, यह हमेशा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में सोमेटिक सेल्स में क्रॉसिंग ओवर होते हैं।
सटर नाम के एक भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रोसोफिला में सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में सबसे पहले बताया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे टीएस मार्जर ने क्रॉसिंग ओवर को समझाने के लिए ड्रोसोफिला में एक क्रॉस कराया था। उन्होंने क्या लिया, एक ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला लिए और ब्लू बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला लिए। ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स और ब्लू बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला का जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, ग्रे और लॉन्ग विंग्स वाले मिलते हैं। कैपिटल वी यहाँ पर प्रभावी है, कैपिटल वी यहाँ पर प्रभावी है, दोनों अपने अपने प्रभाव को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हमको क्या मिला, ग्रे और लॉन्ग विंग्स। F1 जनरेशन में हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं रिसेसिव जीन्स के साथ, टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, ग्रे और लॉन्ग मिलते हैं, ग्रे और वेस्टिजियल मिलते हैं, ब्लू लॉन्ग और ब्लू वेस्टिजियल ड्रोसोफिला मिलते हैं, विंग्स वाले ड्रोसोफिला मिलते हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, हमको अलग दिख रहे हैं। ये दोनों क्या थे, ये तो पेरेंटल थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, हम लोगों ने इसको पेरेंट्स में लिया था। लेकिन ये दोनों जो है ग्रे और लॉन्ग विंग्स वाले, ब्लू कलर और वेस्टिजियल विंग्स वाले जो ड्रोसोफिला है वो रिकॉम्बिनेशन है, जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हमको मिले हैं। जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो पुनर्संयोजी बनते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं टूट करके, जिससे हमको क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, नए टाइप के जीन्स मिलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।